नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सजनों, एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो मन के अंदर हर किसी के जो है उठता रहता है, और वो ये है कि जितना जो कुछ है आज हम कर रहे हैं, भोग रहे हैं, सुख है या दुख है, तो ये पूर्व निर्धारित है। अगर पूर्व निर्धारित है, जिनके अंदर जैसे जन्म का होना, विवाह का होना या मृत्यु का होना, जन्म मरण और परण, ये तीन ही घटनाएं हमारे जीवन की विशेष होती हैं, तो क्या ये पूर्व निर्धारित हैं? अगर पूर्व निर्धारित हैं तो क्या हम उनको घटा या बढ़ा सकते हैं? क्या हम विधि के विधान को पलट सकते हैं? तो इसके लिए एक बात है, एक सिद्धांत की बात है। अगर हमारे शरीर में रोग होना निश्चित है और रोग से मृत्यु होना निश्चित है, तो फिर हम हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? क्योंकि वो तो निर्धारित है, रोग होगा और हम मरेंगे, तो फिर हम जो है डॉक्टर के पास क्यों भागते हैं? ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि अगर हमारे जीवन में विधुर या वैधव्य योग है या तलाक का योग है, तो फिर हम ज्योतिषियों के पास क्यों भागते हैं? वो तो जो होगा सो होगा। और जन्म की बात ये है कि जो पूर्व जन्म में जैसा कर्म करके आया है, उसी के अनुसार वो दूसरे के घर में जन्म लेता है। जीवन में जिसने दान नहीं दिया, वो दूसरे जन्म के अंदर दरिद्री होकर के जन्म लेता है, दरिद्री घर में जन्म लेता है। और जो जीवन के अंदर बहुत कुछ दान किया है, वो श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है। श्रीमंत अर्थात धनी लोगों के घर में जन्म लेता है, राजा लोगों के घर में जन्म लेता है। लेकिन जन्म लेना जब निर्धारित है, तो उसके अंदर हम क्या रद्दो बदल कर सकते हैं? अपने प्रारब्ध को हम कहाँ से घटा और बढ़ा सकते हैं? तो शास्त्र और ऋषि मुनि ये पुकार पुकार के कहते हैं कि आपका कर्म है, उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को भक्ति के अंदर लगा दिया, ईश्वर भक्ति के अंदर आपने अपने आप को लगा दिया, तो वो जो पहाड़ जैसे पाप हैं, वो धीरे 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 आपके जो है समाप्त होते चले जाते हैं, और आपको करना कुछ नहीं है, केवल भगवत नाम स्मरण करना है। सी कहता सुख उपजे, ता कहता तमनास, तुलसी सीता कहत ही रामन छोड़े पास। सीता सी कहता सुख उपजे, सी कहते ही सुख की उत्पत्ति होती है, और ता कहता तमनास, यानी सीता हमने बोला तो तम यानी अंधेरा यानी अज्ञान, इसका नाश होता है। और तुलसी रा के कहत ही, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि रा उच्चारण किया, तो मालूम है रा का उच्चारण करने में हमारा मुख खुलता है, रा। तो तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप बाहर, तो रा का उच्चारण हुआ, सांस बाहर निकला, तो जितने भी जो पाप हैं हमारे अंदर, वो जो है बाहर आए। तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप बाहर, और पुनि पापन आवन चाहता, जो पाप निकल गए बाहर वो वापस अंदर आना चाहते हैं। लेकिन मैं को लग्यो कपाट, मैं बोलते ही मुंह बंद हो जाता है, मैं रा मैं रा मैं, तो इसके अंदर रा से जो है जितने पाप हैं वो फिर बाहर निकलते हैं और वो बाहर की बाहर रह जाते हैं। मैं का उच्चारण होते ही जो है ये कपाट बंद हो जाते हैं, तो पाप पुनः अंदर नहीं जा सकते। और शास्त्र तो ये कहते हैं कि भगवान नाम का इतना बड़ा चमत्कार है, इतना बड़ा प्रभाव है,
कि आप उतने पाप नहीं कर सकते जितना कि वो पापों को फल को नष्ट करने के अंदर जितनी ताकत रखते हैं। इसलिए भगवान नाम स्मरण करके हम अपने पूर्व जन्मों के पापों को काट सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे किसी के कर्जा हो गया और कर्जा होने पर ज्योतिषियों ने कहा कि देखो मंगल की शांति करो, मंगल का दान करते रहो और मंगल स्तोत्र का पाठ करो या मंगल के मंत्र का जाप करो, और उस जाप के अंदर लग गया आपको एक घंटा, तो आप क्या सोचते हैं, अरे एक घंटा अगर हम दुकान पे बैठे होते तो चार ग्राहक निपटा देते, उसमें दो पैसे की आमद होती, और यहाँ पर जाप करके हम क्या ले लेंगे। लेकिन जाप करके जो आप ले लेंगे वो दुकान पे ऊपर बैठ करके आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप ये चाहो कि आज ही हमें मिल जाए, देखिए पहले आपके पापों का भंडार जो भरा हुआ है वो जब तक धीरे धीरे करके हमारे कर्म के माध्यम से, हमारे धर्म के माध्यम से, हमारे जप तप के माध्यम से जब तक वो नष्ट नहीं हो जाता, तब तक जो है नया उदय नहीं होता। यानी आपकी घर की टंकी के अंदर जितने भी छिद्र हैं, जब तक आप उनको नहीं भर दोगे, जब तक रिसाव खत्म नहीं होगा, और जब सारे छिद्र भरे जाएंगे तो उसके अंदर जितना भी आप डालोगे वो आपके पास में बचेगा। तो आपके भाग्य के अंदर अगर वैधव्य लिखा है, विधुर योग है, यानी पत्नी का मरण है, पति का मरण है, तो उसको आप कैसे टाल सकते हैं। लेकिन पति का मरण भी कोई ना कोई ग्रह के कारण से होता है, पत्नी का मरण भी किसी न किसी योग से, किसी न किसी ग्रहों के कारण से होता है। और वहां पर कहते हैं मेटत कठिन कुअंक भाल के, भगवान का नाम जो है आपके भाल में ललाट में जो कुअंक लिख दिए गए हैं उनको भी मिटाने में समर्थ रखता है। सुदामा जी का नाम आपने सुना होगा और उनके ललाट पर लिखा हुआ था श्री क्षय, अर्थात कभी भी संपत्ति या धन आपके पास नहीं होगा। और श्री क्षय जब वो द्वारका में आए, भगवान कृष्ण ने उनका पूजन किया और मस्तक के ऊपर जो है उन्होंने चंदन लगाया उनके, तो वहां उनके वहां पर लिख दिया गया अक्षय श्री, यानी लक्ष्मी का कभी भंडार खाली ही नहीं होगा, अक्षय जिसका क्षय ही नहीं है। तो मुख्य बात यह है कि कर्मों से, भजन के प्रताप से, भक्ति के प्रताप से उन सब योगों को मिटाया भी जा सकता है। कुछ योग ऐसे हैं जैसे कि आपके तलवार का घाव लगना है, लेकिन वो भजन के माध्यम से अब वो तलवार का घाव नहीं है, अब वो मात्र केवल एक कांटे के रूप में ही आपको प्राप्त होगा। जहां आपको मृत्यु होनी है वह मृत्यु तुल्य कष्ट मात्र हो जाता है और बाकी वो ठीक हो जाता है। अगर किसी के विवाह में कि विवाह का योग ही नहीं है, तो विवाह का योग कई कारणों से बनता है। कुंडली के अंदर सप्तम स्थान को देखना पड़ता है, सप्तम के मालिक को देखना पड़ता है, सप्तम के कारक को देखना पड़ता है। अगर वो कहीं विकृत हैं तो उनको हम ठीक कर सकते हैं, कोई कमजोर है तो उसको बलवान बना सकते हैं, कोई उन पर कुदृष्टि किसी ग्रह की पड़ रही है तो उसकी शांति करवा के उसको क्षीण कर सकते हैं। जिस प्रकार एक शरीर के अंदर किसी भी तत्व की कमी हो जाती है तो डॉक्टर उसको वो तत्व प्रदान करता है, प्रोटीन प्रदान करता है, कैल्शियम प्रदान करता है, आयरन प्रदान करता है, कोई भी आपका जो है बी कॉम्प्लेक्स है वो देकर के, विटामिन देकर के और आपको स्वस्थ बनाता है। और कोई चीज़ बढ़ रही है तो वहाँ पर उस चीज़ को घटा करके, कम करके आपको स्वस्थ करता है। तो उसी प्रकार भगवान की भक्ति हमारे पूर्व जन्म के जो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। तो ये जानकारी मैंने आपको दी।
बाकी और जानकारियों के लिए अगर आपके पास जन्म की तिथि है, तारीख है, महीना, सन, समय, जन्म स्थान है, तो आप इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके आप जो भी आपकी समस्या है उसके बारे में जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुला मुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।